हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना विश्वकर्मा। नाउ इट्स मी साइनिंग इन। होप यू ऑल आर गुड नाउ एट सेफ एट योर होम। एज यू नो दैट कि हमारा कोर्स 4 का सीरीज चल रहा था लैंग्वेज अक्रॉस द कोरिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, और हम अपनी फोर्थ स्किल जो लैंग्वेज हमारी स्किल होती है उसमें हम फोर्थ स्किल यानी कि राइटिंग स्किल और लेखन कौशल के बारे में स्टडी कर रहे थे। जो हमारे प्रीवियस वीडियो थे वो हमारे राइटिंग स्किल से रिलेटेड थे, वो अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख लीजिएगा, आपको डेफिनेटली वो वीडियो हेल्प करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है और ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में आता रहा है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप बीएड का एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जो टॉपिक है हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नीड फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने की आवश्यकता क्या है, आखिर जरूरत क्या है, आफ्टर ऑल नीड क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। नीड फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी दैट इन माई डायरी। तो देखिए डायरी में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ टीचर विल डेवलप राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट। हाउ टीचर विल डेवलप राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क, यानी कि कैसे शिक्षक जो है वो छात्रों में लेखन कौशल का विकास करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, और ओवरऑल करके लिखा हुआ है कि हाउ विल यू एज अ टीचर डेवलप राइटिंग स्किल इन स्टूडेंट, यानी कि एज अ टीचर डेवलपिंग राइटिंग स्किल कैसे होगी विद्यार्थियों में, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे शिक्षक क्या करेगा, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्रों में लेखन कौशल को कैसे विकसित करेंगे, इसको डिटेल स्टडी करेंगे। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपका हैंडल हो जाएगा और हेडिंग वाइज है, आप आराम से लिख सकते हो। चलिए डिटेल में स्टडी करते हैं। पहला यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए आपको अच्छे से पता है कि जब तक हम राइटिंग स्किल में महारत हासिल नहीं करेंगे तब तक हमारी जो LSRW की चारों स्किल हैं, लैंग्वेज दक्षता की या लैंग्वेज स्किल की, तो हम तब तक कंफर्टेबल नहीं होंगे चीज़ों को पढ़ने के लिए, चीज़ों को सुनने के लिए, चीज़ों को स्पीकिंग करने के लिए, चीज़ों को रीड करने के लिए, इसके अलावा चीज़ों को राइट करने के लिए। तो जैसे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप अपने बच्चों में बीइंग अ टीचर, बींग अ पेरेंट्स, बींग योर फैमिली मेंबर, आप अपने चाइल्ड्स में, आप अपने स्टूडेंट में राइटिंग स्किल को डेवलप करा सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट यहां पे है, मेक इट फन, यानी कि इसको क्या करना है, आपको फन बनाना है, मजेदार बनाना है ताकि बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड हो। तो जैसे क्या कर सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ मेक इट फन का मतलब मजेदार बनाना, जैसे प्ले गेम्स एंड द एक्टिविटीज दैट इनकरेज द राइटिंग। आप बहुत सारी प्ले एक्टिविटीज करा सकते हो, बहुत सारी प्ले गेम्स करा सकते हो, इवन प्ले वे मेथड का यूज कर सकते हो बच्चों की राइटिंग स्किल को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट है क्रॉसवर्ड पजल्स एंड वर्ड गेम्स एंड द ग्रेट फॉर एवरीवन। जो ये क्रॉसवर्ड्स आते हैं, पजल्स आते हैं, जो शब्द वर्ड प्ले बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे शब्द लिखते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसको लिखकर दिखाओ और इस तरह की चीजें कराओ, तो क्रॉसवर्ड पजल्ड हो गया आपका, वर्ड प्ले हो गया, ये सारी चीजें सारे बच्चों के लिए बहुत एनकरेजफुल होगी। इससे बच्चा राइटिंग में क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, आपको ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट है लिटिल वंस स्पेशली लाइक द राइट एंड द वर्ड गम। और जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो जो आपका प्ले वर्ड होता है, प्ले वर्ड जिसको हम बोलते हैं राइट एंड वर्ड, राइट द वर्ड, बच्चों को शब्द लिख दिया और बच्चों से बोला कि आप लिखना क्या लिखना पसंद करोगे, तो बच्चे इस तरह का गेम कर सकते हैं, तो ये भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेकिंग इट फन में आप इसके थ्रू भी बच्चों के अंदर क्या करा सकते हैं, खेल खेल में उन्हें सिखा सकते हैं और उस राइटिंग को आप काफ़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वेयर दे सर्च फॉर आइटम्स एंड राइट डाउन द वर्ड व्हेन दे फाइंड ईच आइटम, यानी कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, हर आइटम में बच्चों को कुछ ऐसे वर्ड सर्किल कर देंगे और बोलेंगे कि तुम इसको मतलब लिख के दिखाओ, जो जितने भी सर्किल वर्ड हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको आप उसमें सर्च कीजिए और प्रत्येक आइटम को लिखिए। तो बच्चे क्या करेंगे, पहले तो वो लाइन पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के बाद उसमें से जो देखेंगे सर्किल कहाँ बना हुआ, तो उस वर्ड को उतारने की कोशिश करेंगे। तो राइटिंग स्किल इससे भी डेवलप हो सकती है। बच्चों को आप शब्द खोजने के लिए प्रेरित करिए, खेल खेल में उनको बिल्डिंग, जो वर्ल्ड बिल्डिंग गेम होता है उसको यूज़ करने के लिए दीजिए, ताकि चीज़ें क्या हो और भी फनी फॉर्म में हो, इजी हो, बच्चा खेलते खेलते सीखेगा तो उसकी जो लर्निंग पावर होगी वो ना बहुत अच्छी होगी और काफ़ी टाइम तक रहेगी और थोड़े टाइम बाद ये परमानेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है
क्रिएट राइटिंग वर्कशीट। क्या करना है आपको बच्चों को राइटिंग स्किल को डेवलप कराने के लिए, उनको जो है ना उनकी जो वर्कशीट वगैरह आती हैं उसमें वर्किंग करवाइए। जैसे फॉर यंग चिल्ड्रन जस्ट लर्निंग टू राइट, ट्राई क्रिएटिंग अ वर्कशीट वेयर दे कैन ट्रेस लेटर एंड वर्ड्स। तो बच्चों को जो क्रिएट आप ट्रेसिंग बच्चों को ट्रेसिंग करा सकते हैं, ट्रेस लेटर्स को ट्रेस करा सकते हैं, वर्ड्स को ट्रेस करा सकते हैं, और उसके अलावा जो उनकी वर्कशीट होती है, ठीक है, वर्कशीट में क्या कर सकता है बच्चा देखकर क्या करता है, उसको एज इट इज ट्रेस करके कॉपी करता है ना। आपने वो डॉटेड वाली वर्कशीट देखी होगी जब बच्चा छोटे लेवल में होता है, प्राइमरी में होता है या प्री प्राइमरी में होता है, ठीक है। तो बच्चों को वर्कशीट अलाउ होती है राइटिंग की, डॉटिंग लाइन को वो जोड़ जोड़ के लिखते हैं, फिर क्या करते हैं कर्व को जोड़ते हैं, फिर कैसे कर्सिव उठाना बनाना, ये सारी चीजें बच्चा राइटिंग स्किल के थ्रू प्रैक्टिस करता है, तो जिससे उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। राइटिंग की बुक भी आती है, लाइक कर्सिव राइटिंग की बुक आप देखेंगे इंग्लिश में भी होती है, फिर इसके बाद प्राइमरी लेवल में ही देखेंगे राइटिंग स्किल डेवलप कराने के लिए हिंदी लैंग्वेज भी, हिंदी बुक भी होती है जिसको हम सुलेख बुक बोलते हैं। बच्चा क्या करता है उसमें सुंदर सुंदर सा लेख लिखता रहता है और उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, 10 लाइन लिखना है, 15 लाइन लिखना है, जो भी लिखना होता है दिया रहता है। तो कर्सिव राइटिंग की स्किल बुक आती है, वर्कशीट आती है, बच्चों को आप उनको थ्रू प्रैक्टिस कराइए चीज़ों को और लेटर्स को शब्दों को ट्रेस कराइए, बच्चा इससे इंटरेस्ट लेगा। फिर राइट आउट द लेटर्स एंड द वर्ड्स, प्लेस अनदर पीस ऑफ पेपर ऑन द टॉप। आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लिख कर सुंदर सा बच्चों को ट्रेस पेपर पर उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए, या आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी के ऊपर आप टॉप पे कोई भी हेडिंग डाल दीजिए और बच्चों को बोलिए उसको 10 लाइन में लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा भारत देश महान है, इसको आप 10 इसी लाइन को आप 10 बार लिखिए, तो बच्चा उस चीज को देख देख के लिखेगा तो भी उसकी राइटिंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं ना बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं, चीजें ज्यादा अच्छे से कॉपी कर पाते हैं अगर टीचर उन्हें प्रॉपर वे से बता दे तो। नेक्स्ट हमारा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ कनेक्ट द डॉट्स गेम बाय हैविंग योर चाइल्ड ट्रेस अलॉन्ग डॉटेड लाइन्स एंड दे टेल अबाउट द विच लेटर वर्ड और शी और फिट। आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं, जो मतलब आपके जो पेपर पेन पेपर पे लिखे होते हैं वर्ड्स वगैरह शब्द वगैरह, तो उनको जो लिखा होता है और उस कागज के ऊपर एक और कागज का टुकड़ा रख दीजिए, ट्रेसिंग पेपर जिसको हम बोलते हैं, और उनसे बच्चों को बोल दीजिए कि आप उसको ट्रेस करिए। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि बच्चों की ड्रॉइंग बुक में भी ट्रेसिंग आती है, डॉट डॉट लाइन्स होती हैं, फिर और आप छोटे बच्चों के और छोटे बच्चों की उसमें क्लास में चले जाएंगे तो बहुत सारे डॉटेड डॉटेड में ए बी सी डी ऐसे पूरे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, तो बच्चा उस लाइन को क्या करता है, सारे डॉट्स को कनेक्ट करके वो वर्ड्स बनाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो लेटर फॉर्म करना सीख जाते हैं। तो ये उनके लिए क्रिएटिव वर्कशीट बहुत अच्छी इफेक्टिव रहती है उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है ट्राई डिफरेंट मटीरियल। देखिए ट्राई डिफरेंट मटीरियल इन द सेंस की स्टिचिज अप इट बाय राइटिंग द समथिंग अदर देन अ पेन और पेंसिल। क्या होता है ना कि हम बच्चों को हमेशा क्या करते हैं, बस एक जैसा ही लिखने के लिए दे देते हैं, या तो पेन दे देते हैं या तो पेंसिल दे देते हैं, तो कुछ डिफरेंट मटेरियल यूज़ कीजिए बच्चों को राइटिंग करवाने के लिए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो। मतलब हम डिफरेंट तरीके की सामग्री बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं, बच्चे उससे कोशिश करेंगे। हम केवल पेन या पेंसिल नहीं दें बच्चों को, पेन या पेंसिल के अलावा बच्चों को हम कुछ और कलर दे सकते हैं लिखने के लिए, स्केच पेन दे सकते हैं, चॉक्स वगैरह आ सकती है, फिंगर पेंटिंग बच्चे करते हैं आपने देखा होगा, ब्रश की पेंटिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट मटेरियल दे दीजिए बच्चों को ट्राई करने के लिए, बच्चा खुद से बहुत अच्छा लिखना सीखेगा। स्केच पेन दीजिए, जो मार्कर थोड़े आते हैं मोटे वाले स्केच पेन आते हैं, ठीक है, मार्कर टाइप की चीज़ों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा ना, बच्चे की जो राइटिंग स्किल होगी वो डेवलप होगी, क्यों, क्योंकि बच्चा पेपर और पेन और पेंसिल के अलावा कुछ और चीज़ उसको मिल रही है, तो वो राइटिंग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएगा और थोड़ा स्टे होकर लिखने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे इसमें साइड इसमें लिखा हुआ है साइड वॉक चॉक ऑन और ड्राइव वे, फिंगर पेंटिंग हो गया आपका, ब्रश पेंटिंग हो गया, सॉल्ट राइटिंग हो गया, ट्रे आर फुल फन राइटिंग एक्टिविटीज दैट विल आल्सो हेल्प इन द बिल्डिंग क्रेट्स लर्निंग। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो भी चीज़ें आप बच्चों को करा रहे हैं बच्चों के लिए उनकी राइटिंग स्किल में बिल्डिंग मटीरियल की तरह काम करेगा। जितनी भी एक्टिविटी है आप डिफरेंट तरीके के मटीरियल बच्चों को ट्राई करने के लिए जरूर दें, बच्चा इससे इंकरेज होता है और अपनी राइटिंग के लिए प्रोत्साहित होता है बींग अ टीचर बींग अ पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा है राइट लेटर्स। राइट लेटर्स का मतलब है पत्र लिखना, राइटिंग द लेटर्स। बच्चों को आप पत्र लिखना सिखाइए। आज के टाइम में तो आपने देखा होगा कि ये राइटिंग वाली जो स्किल होगी, ये पत्र लिखना या लेटर लिखना खत्म हो गया, एक तरीके से खोई हुई आर्ट हो गई है ये। तो एज अ टीचर एज अ फ्रेंड आप अपने बच्चों को मतलब बोलिए कि अपने फैमिली मेम्बर को लेटर लिख सकता है, अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकता है, आज की डेट में तो ये खत्म हो गया, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है, बच्चा इससे राइटिंग करना सीख जाएगा। तो आप बच्चे को इनकरेज योर चाइल्ड टू राइट द लेटर्स टू फ्रेंड और फैमिली मेम्बर। आप बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए कि क्या करे, वो अपने फैमिली मेम्बर के किसी बंदे को लेटर लिखे, फिर अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकता है, इसके अलावा वो खुद भी लेटर लिखे। जैसे सपोज़ कीजिए आप इसमें क्या करा सकते हैं बच्चों को, मतलब राइटिंग कराने के लिए क्या कर सकते हैं, कभी मदर्स डे हो तो अपने बच्चों को बोलिए कि आप अपनी फीलिंग मदर्स डे के थ्रू वो बताइए, कागज़ पर लिख के बताइए मदर्स के लिए क्या फील करते हैं, फादर्स डे पर क्या फील करते हैं। तो बच्चों को हमेशा इनकरेज कीजिए राइटिंग के लिए, वो अपने मन से कुछ भी लिखते हैं,
किसी भी तरीके का स्टाइल अडॉप्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं करता है। बच्चों को आप लेखन कौशल के लिए बिल्कुल इनकरेज कीजिए, और ये एक बेस्ट तरीका है लेटर लिखना, कि लेटर लिख के क्या कर सकते हैं, हम बच्चों की राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे डिफरेंट फैमिली मेम्बर जो है वो कहीं और रह रहे हैं, तो स्पेशली उन बच्चों को जो हैंड राइटिंग जिनकी थोड़ी सी क्या है डल है, जो मतलब प्रॉपर वे में लिख नहीं पाते, तो उनको आप राइटिंग लेटर के लिए जरूर इनकरेज कीजिए, ताकि बच्चा क्या करे अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करे और बच्चों को प्रोत्साहित करे कि पत्र लिखने से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं। बहुत सारे डे सेलिब्रेट होते हैं ना, जैसे अभी 5 जून को निकला है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, तो विश्व पर्यावरण दिवस, इससे बच्चों को बोलिए कि आप स्लोगन लिख के दिखाइए, राइटिंग करके दिखाइए, मतलब बच्चों को एक लेटर लिखने के लिए दे देंगे, एक टाइटल दे देंगे, किसी के बारे में बोल देंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखो तो वो 10 लाइन लिखेगा, तो उससे भी उसकी कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी, चाइल्ड के अंदर डेवलप होगी। तो राइटिंग द लेटर इट्स अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द राइटिंग डेवलपमेंट ऑफ स्किल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्वेस्ट टाइम। इन्वेस्ट टाइम इन द मतलब आपको अपने बच्चे को टाइम देना पड़ेगा। देखिए, अगर बच्चे को टाइम नहीं देंगे, आप केवल स्कूल पर डिपेंड रहेंगे कि हमारा बच्चा तो स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी टीचर उसका स्कूल प्रॉपर वे से उसे राइटिंग सिखा देगी, तो केवल ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीइंग अ पेरेंट्स ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चे को लिखने के लिए प्रेरित करें, मतलब डिसाइड कर ले कि आपको अपने बच्चे के लिए कितना टाइम देना है। आप जब भी फ्री हो उसे टाइम दीजिए, बच्चे को जब भी जरूरत हो आप उसकी नीड को समझिए, उसकी फीलिंग को समझिए, और उसे रीडिंग करने के लिए भी दीजिए, राइटिंग करने के लिए भी दीजिए, तभी वो सब चीज़ों को समझ पाएगा। उसको जब भी जरूरत हो आप उसको स्पेलिंग लिखने के लिए दीजिए, डिक्टेशन बोल दीजिए, आप 10 लाइन डिक्टेशन बोलिए, कोई समरी बोल दीजिए, एक पैराग्राफ बोल दीजिए, तो इससे बच्चा क्या होगा, जब आप उसे टाइम दोगे तो वो स्कूल के अलावा आपकी कम्युनिटी में भी, आपकी कंपनी में भी बेटर चीज़ों को सीखेगा, है ना। मेक श्योर कि आपका चाइल्ड आपको जानता हो, जब भी आपको लगे कि हाँ आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है तो आप वहाँ पर जाइए, बच्चों की हेल्प कीजिए स्पेलिंग के लिए, प्रोनाउंस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। उससे भी उसका जो क्या होगा, राइटिंग स्किल बहुत डेवलप होगा, और डेफिनेटली बच्चा अगर उसके लिए लिखना एक टफ टास्क होगा तो वो क्या करेगा, वो उसमें इंप्रूव करेगा। व्हेन यू मेक राइटिंग ट्वाइस अ प्रायोरिटी फॉर यू, इट विल मेक इट इजियर फॉर योर चाइल्ड टू इम्प्रूव हिज और हर राइटिंग स्किल। देखिए, आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको मतलब किसको प्रायोरिटी देनी है ना, जैसे लेखन कौशल को प्रायोरिटी देनी है, तो इससे रिलेटेड आप अपने बच्चे को उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलिए, बच्चे को बताइए कि डेली डायरी लिखने से भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, उससे भी क्या हो सकता है, बच्चे का राइटिंग स्किल डेवलप हो सकता है। बच्चे से बोलिए कि आप मेरे बारे में या अपने दोस्त के बारे में 10 लाइन लिख के दिखाइए, आप किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में या कंसर्निंग टॉपिक जो बच्चा जानता हो, बच्चे को कोई स्टोरी बता दीजिए, उसको 10 लाइन में लिखने के लिए बोलिए। तो आप अच्छा टाइम बच्चों के साथ इन्वेस्ट करोगे तो उनकी जो राइटिंग होगी वो बीइंग ए स्टूडेंट जरूर इंक्लूड होगी, इंप्रूव होगी, सुधार होगा उसमें। और बीइंग अ पेरेंट्स आप अपने बच्चे को टाइम जरूर दीजिए, इन्वेस्ट टाइम। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कनेक्ट देयर इंटरेस्ट। कनेक्ट देयर इंटरेस्ट का मतलब है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो किसमें है, बच्चे का इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए आप। लेट द चाइल्ड राइट अ न्यू शॉर्ट स्टोरी अबाउट हिज और हर फेवरेट कैरेक्टर, और लेट हिम और हर क्रिएट अ स्टोरी ऑल अबाउट डायनासोर्स, फिर वॉट एवर हिज और हर इंटरेस्ट, कनेक्ट देम टू राइटिंग। यानी कि जो बच्चा है, बीइंग अ टीचर हमें ये काम करना है कि जो बच्चे को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद होते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज बहुत पसंद होती हैं, तो आप बच्चों को बोलिए कि छोटी स्टोरी बनाओ तुम इस कार्टून से रिलेटेड, या जो आपका फेवरेट कार्टून है लाइक डायनासोर हो गया आपका, छोटा भीम हो गया, पोगो हो गया, मतलब मोटू पतलू हो गया, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे आपने ये देखा होगा जो ये कार्टून नेटवर्क्स हैं, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे से मॉरल लेसन्स देते हैं। तो आप बच्चों के इंटरेस्ट को कनेक्ट कीजिए कि बच्चा किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। तो बच्चों को क्या करिए, आप बोलिए आप अपने किसी फेवरेट कार्टून के बारे में लिखिए, शॉर्ट में स्टोरी लिखिए, कहानी लिखिए, फिर बच्चों को बताइए, उसको इंट्रोड्यूस करिए, बताइए कि इसको राइटिंग से कैसे कनेक्ट करना है उनकी इंटरेस्ट के साथ। तो इससे क्या होगा ना, बच्चा जो सीखेगा ना वो बहुत ही मतलब जल्दी सीखेगा, और उसका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल डबल हो जाएगा। डबल इन द सेंस कि आप बोल दोगे कि छोटा भीम के बारे में लिखो, तो बच्चे लिखेंगे ना छोटा भीम बहुत बहादुर है, लड्डू खाता है, लड्डू खाने से उसको ताकत मिलती है, और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, और छोटी सी स्टोरी छोटे से भीम के लिए लिख के दिखा देगा। तो उससे भी कहीं ना कहीं उसकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी डेवलप होगी। बीइंग अ टीचर आप ये काम कर सकते हैं नाउ, और बीइंग अ पेरेंट्स आल्सो। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट स्टोरी प्रॉम्प्ट्स। क्रिएट स्टोरी प्रॉम्प्ट का मतलब है जो बच्चा होता है ना उसको आप स्टोरी सिंबलाइज दीजिए, उसको आप कहानी के लिए सिंबल दीजिए, संकेत दीजिए कि बच्चों को अगर हमको बेहतर बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। बच्चों को बोलिए कि आप कुछ स्टोरी क्रिएट कीजिए, स्टोरी क्रिएटिव राइटिंग कीजिए, है ना। शॉर्ट स्टोरी को लिखना बताइए, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, अलग अलग कैरेक्टर को प्लान कीजिए। फिर कहीं पर अगर आप घूमने गए हैं तो आपने बहुत सारे चित्र देखे हैं, आपने कुछ भी देखा है तो बच्चे से बोलिए उसको वो लिख कर दिखाए, है ना। चित्रों को देखेगा और चीज़ों को देखेगा तो वो अलग अलग शब्दों को क्या करेगा, फॉर्म करना सीख
सीख जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन सीखेगा, और उसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेगा, फ्रेजेस बनाना सीखेगा, क्लॉजेस बनाना सीखेगा, ये सब बच्चा धीरे धीरे करने लगेगा। सपोज करो एक कंटेनर में, अगर आप एक छोटा सा गेम चाहते हो, गेम भी खेल सकते हैं, एक कंटेनर में आप बहुत सारी चिट रख दीजिए और उस चिट में एक एक स्टोरी का सिंबल लिख दीजिए, ठीक है। तो वो सिंबल बच्चा कोई भी चिट उठाएगा, एक चीट उठाएगा और उस चीट में उसका जो भी आएगा स्टोरी का सिंबल, उससे बोलिए आप इससे रिलेटेड स्टोरी लिख कर दिखाइए, है ना। वो कोई भी कार्ड पिक कर सकता है, कोई भी चीट पिक कर सकता है जिससे रिलेटेड वो स्टोरी लिखे। तो ऐसा आप करा सकते हैं, एज अ हॉलीडे होमवर्क भी बच्चों को करा सकते हैं, ठीक है। किसी करेक्टर को आप कनेक्ट कर दीजिए, बच्चा भी उससे भी क्या करेगा, राइटिंग स्किल उसकी डेवलप होगी। बहुत सारे पिक्चर्स को कट करके आप बच्चों को बोल सकते हैं, मैगजीन से ये पिक्चर उठा लो और इसके बारे में, डिफरेंट करेक्टर के बारे में लिख के दिखाओ, जिस लोकेशन में तुम घूम कर रहे हो उसका एक फाइल बना दो, या उसके लिए एक 10 लाइंस का नोट पेज बना दो। तो इस तरीके की चीज़ों को आप बच्चों को बोलोगे तो बच्चे बहुत राइटिंग के लिए क्या होंगे, इंटरेस्टिंग होंगे, और जाहिर से बात है कि उनका भी स्टोरी बनाने में बच्चे बहुत माहिर होते हैं और बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत फॉल्स स्टोरी भी बनाते हैं, जो चीज़ें होती भी नहीं है उसको भी स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट मेक्स मोर हर और हिज राइटिंग स्किल इम्प्रूव्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव करती हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। यानी कि बच्चे को आप ये भी सिखाइए कि आपको टेक्नोलॉजी सीखना भी बहुत जरूरी है, रिगार्डिंग द राइटिंग स्किल, रिगार्डिंग द रीडिंग, वॉट एवर जो भी स्किल है आप सीखिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप चीज़ों को अडॉप्ट करोगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। आप बहुत अच्छा जानते हो लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से पीछे हो, तो अगर आप वो टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे, उसकी एडवांटेज लेना सीख जाओगे, तो इट विल मोर बेटर देन फॉर यू, इट इज़ अ बेस्टेस्ट फॉर्म ऑफ यू, है ना। आपकी लाइफ का बेस्टेस्ट मोमेंट हो सकता है, बेस्ट मोमेंट हो सकता है, सबसे बेस्ट जो एक एफर्ट कहते हैं वो एफर्ट हो सकता है। तो देयर इज नो गेटिंग अराउंड फैक्ट दैट द टेक्नोलॉजी प्लेज ह्यूज पार्ट इन अवर लाइफ्स। और यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, थोड़ा सा भी संशय नहीं है कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी हमारी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप ये बहुत जानते हैं, ठीक है। फिर यूज इट टू अवर योर एडवांटेज बाई हैविंग योर चाइल्ड क्रिएट अ ब्लॉग। आप बच्चे को प्रेरित कीजिए कि आप ब्लॉग लिखिए, है ना। उसको बताइए कि टाइपिंग राइटिंग में किस किन की चीज़ों की हम यूज़ कर सकते हैं, हम मेल कैसे कर सकते हैं, लिखकर चीज़ें जब बच्चा जानेगा, स्टोरी बनाने लगेगा, मेल करने लगेगा, चीज़ों को ब्लॉग के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से लिखने को लगेगा, तो बच्चे का जब भी मान लीजिए कभी उसका कुछ प्रिंट हो गया, स्टोरी प्रिंट हो गई, तो वो उसको देखकर कितनी खुशी होगी, बच्चा उससे मोटिवेटेड होगा। अगर उसका कोई भी स्टोरी छप गया, जिससे हम लोग बोलते हैं ना आर्टिकल के लिए चीज़ों को करवाते हैं, तो आर्टिकल में क्या करवाते हैं, आर्टिकल उन्हीं का सेलेक्ट करते हैं ना जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा होता है, पेपर राइटिंग कराते हैं बच्चों से, तो बोलते हैं जिसका आर्टिकल या जिसका थीम सबसे बेस्ट होगा हम उसी पेपर को चूज करेंगे उस पब्लिशिंग के लिए। तो इस तरह की चीजों की एक्टिविटी कराइए, इससे बच्चे के अंदर क्या होगी, राइटिंग हैबिट डेवलप होगी, और बीइंग अ पेरेंट्स ये काम आप बच्चों को अच्छे से कर सकते हैं, उन्हें फ्रीक्वेंटली एनकरेजमेंट दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, ठीक है। मतलब इसे आप अपने पार्ट डेली लाइफ का हिस्सा बनाइए, मतलब जो आपकी दिनचर्या है उसका एक पार्ट बना लीजिए। आपने ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया फिर छोड़ दिया फिर चार दिन बाद उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। आप बच्चों को एक टाइम टेबल दीजिए, बच्चों को स्ट्रक्चर दीजिए कि आपको क्या करना है, हर दिन किसी न किसी के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है, भले वो आधा पेज लिखो, दो पेज लिखो, एक पेज लिखो, जैसा तुम्हारे पास टाइम है, जैसे तुम कंफर्टेबल हो, आपको डेली कुछ ना कुछ सर्च करना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों को वेदर इट्स राइटिंग अ ग्रोसरी लिस्ट, राइटिंग इन अ जर्नल, कंपोजिंग अ लेटर, प्रैक्टिसिंग राइटिंग एवरी डे विल गो अ लॉन्ग वे टू इम्प्रूव किड्स राइटिंग। इसमें बच्चों को आप क्या करा सकते हो, जैसे डेली वर्क अगर हम बात करें तो जो हम राशन लिस्ट बनाते हैं या ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं बनाने के लिए, उससे भी बच्चा प्रॉपर वे में लिखना सीख जाएगा। हिसाब वगैरह जो लिखते हैं हम, पत्र लिखते हैं, जर्नल वगैरह लिखते हैं, ठीक है, मतलब पार्टिसिप राइटिंग प्रैक्टिकल का मतलब आप बच्चों से माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में इससे लिखवा लीजिए, डेली डायरी लिखवा लीजिए, डेली रूटीन बोल दीजिए, लिखिए बच्चे से कि आप एक डायरी बनाओ और अपना डेली रूटीन उसमें लिखो कि सुबह जब से उठते हो जब तक तुम बेड पर नहीं जाते हो तब तक क्या करते हो, वो सारी एक्टिविटी मुझे पॉइंट्स में लिखी हुई चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, उसको लिखेगा डे बाई डे, और जब डे बाई डे डेली लिखेगा तो उसकी प्रैक्टिस बहुत बेटर होगी। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो आपका राइटिंग स्किल है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और ये बच्चा आगे जाकर आगे और बेटर वर्क करेगा। तो बहुत जरूरी है कि हमें बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल की जो हैबिट है वो बचपन से ही बच्चों के अंदर अडॉप्ट करवानी है, ताकि बच्चा राइटिंग के लिए आगे जाकर खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे अगर वो राइटिंग स्किल उसके अंदर डेवलप नहीं है। क्योंकि देखो इससे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी, बच्चे को तो जो प्रॉब्लम होगी सो होगी। तो इसलिए बच्चों को आपको क्या ले जाना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है आपके बच्चों को और हमारे बच्चों को, तो उनको राइटिंग स्किल की जो हैबिट है वो बचपन से ही डेवलप कराइए। भले बच्चा दो लाइन से लिखना स्टार्ट करे, उसको उसके लिए इनकरेज कीजिए, वो करेगा, ठीक है। तो आप इन सब बातों को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंड द लास्ट पॉइंट, प्रेज देयर वर्क,
प्रेज देयर वर्क का मतलब उनके काम की प्रशंसा कीजिए। बच्चे कोई भी काम करते हैं ना, छोटा मोटा काम, उनको आप जरूर प्रेज कीजिए। देखिए मोटिवेशन एक ऐसा तड़का होता है ना कि जहाँ पे स्पीड भी नहीं होती तब भी वो स्पीड आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें तड़का इन द सेंस कि हम जब हम जाम होते हैं, ठीक है, कहीं फंसे होते हैं, तो हमारा जैसे एक कहते हैं ना कि अगर हम प्रॉब्लम में फंसे और हमें एक तो इक्का मिल गया, तुरुप का इक्का मिल गया, तो हम उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब बाहर आ जाएंगे, उस प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक वही वाला हाल है कि बच्चा को सीख रहा है तो उसमें हमने एक तड़का लगा दिया जिससे उसकी स्पीड जो किया हुई वो फ्रिक्वेंटली बहुत बढ़ गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो प्रशंसा वही काम करती है, आपको आपके बच्चे को मोटिवेशन देता है। बच्चे को ही क्यों यार, हम बड़ों को भी प्रशंसा चाहिए होती है, हम बड़ों को भी मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है। कोई भी छोटा हम काम करते हैं तो हम उम्मीद ये करते हैं उस काम के बदले में कि हमें कम से कम कोई रिवार्ड मिले या ना मिले, प्रशंसा मिले ना मिले, लेकिन हमारी तारीफ जरूर हो, हमें प्रेज जरूर किया जाए उस काम के लिए, ताकि जो ये प्रेजल मिल रहा है बच्चों को, बहुत जरूरत होती है, बच्चे इन प्रेजल को यूज करके और मोटिवेट होते हैं, आगे और अच्छा लिखेंगे। तो अगर वो स्कूल से कुछ बेटर सीख कर आते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उनको इनकरेज कीजिए। वो कुछ लिखने में इंटरेस्टेड है तो आप उनको हमेशा सपोर्ट कीजिए, उनको छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प कीजिए। जैसे छोटे छोटे फंक्शंस आते हैं, हमारे बहुत सारे डेज सेलिब्रेट होते हैं, 12 महीने का जो हमारा एक साल होता है 365 दिन का, हर दिन कुछ ना कुछ डे होता है, तो उन बच्चों को कुछ कुछ डेज जो स्पेसिफिक डेज होते हैं उनको बच्चों को बताइए कि ये सेलिब्रेट होते हैं और इनके बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी हैं, कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं, तो उनको प्रेरित कीजिए। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, आपकी ये ड्यूटी है, आप इट्स योर प्राइम ड्यूटी कि हम बच्चों को राइटिंग के लिए टुवर्ड्स राइटिंग स्किल एवरी चाइल्ड हम उसको डेवलप करा सके, जो कि पॉसिबल है। बच्चों से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, बच्चों को चीज़ों को सेलिब्रेट कराना बताइए, आप अपने घर पे कुछ भी ऐसा छोटा मोटा एक्टिविटी कर सकते हो जिससे बच्चे के अंदर राइटिंग के लिए प्रेरित हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे और आप होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे थे, ईजी थे, नीड फॉर डेवलपिंग राइटिंग स्किल इन योर स्टूडेंट। तो बच्चे के लिए जो भी हमारी है लेखन कौशल सफलता, टीचर कैसे स्टूडेंट डेवलप करा सकती है अपने स्टूडेंट में, ये पॉइंट्स थे। यहाँ पे 10 to 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं और आपको ये पॉइंट समझ में आएंगे तो समझ में ही आएगा, होपफुली मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आपकी जैसी इच्छा है आप आराम से लिख सकते हो। वीडियो थोड़ा भी नीडफुल रहा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाई अर्चना विश्वकर्मा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाई अर्चना विश्वकर्मा।